अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आए हैं। जैसे कि हमारा कोर्स जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और तो मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक जोश है और एक जो उनकी एक्साइटमेंट है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब मैं उनको स्टेप्स बताती हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, तो वो जब घर में खुद प्रैक्टिस करते हैं और करके दिखाते हैं मुझे, तो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स उनको मिलते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया होता, या जो वो अपने पास से ट्राई कर रहे होते हैं। और फिर उनको जो है एक नई चीज़ समझने में आती है, और फिर जब वो उसको अप्लाई करते हैं और उसके उनको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, तो ऐसे प्यारे प्यारे से व्यूज़ आते हैं मेरे पास, ऐसे ज़बरदस्त से कमेंट्स आते हैं। अच्छा, मैं अपने नए देखने वालों को बताते चलूँ कि मैं हूँ आयशा महफूज, आप लोगों की ब्यूटिशियन। ठीक है, हम लोग मंडे और फ्राइडे को क्लास अपलोड करते हैं 7 o'clock पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो मैं मेकअप का जो है बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करवा रही हूँ। अपने नए देखने वालों को मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए तो उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने नाम के साथ मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, या जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ और थ्योरी समझा रही हूँ, अगर उसको आप खुद अपने घर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो होती रहती हैं, मुझे आप सब अपनी फैमिली की तरह लगते हैं, और आप लोगों से बहुत प्यार मिलता है, आप लोगों का बहुत साथ मिलता है, और बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैम आप जो सिखा रही हैं बता रही हैं वो नॉर्मली सैलून्स में भी जो है वो इतने अच्छे से नहीं बताते हैं, इतना डिटेल में गाइड नहीं करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मुझसे सीखने वाले जो हैं वो बहुत अच्छा सीखें, कि कल को जब वो खुद किसी को सिखा रहे हूँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो अब हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं। जैसे कि मैं कंप्लीट आप लोगों को मेकअप के तमाम स्टेप्स बता चुकी हूँ, 8 स्टेप्स। ठीक है, तो उसके बाद भी जो है वो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, सर्दियों में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता स्वेटिंग का और मेकअप के बेस के उतरने का, लेकिन क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है और समर आने लगा है, ठीक है, अब स्प्रिंग चल रहा है, तो मोस्टली जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम रहेगा कि हमारी बेस जो है वो बह जाती है, हमें बहुत पसीना आता है, हम अपनी स्वेटिंग का क्या करें कि हमारी बेस टिक जाए, हमारा पसीना आना बंद हो जाए। तो मैं एक आपको बात बताती चाहूँ कि आप पसीना आने को नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है, ये एक आपके अंदर जो है बिल्ट इन है कि पसीना गर्मी में आएगा, लेकिन आपने पसीना आने के बावजूद ऐसा क्या करना है अपने मेकअप के अंदर कि आपका मेकअप, आपकी बेस, आपका फाउंडेशन बहे ना, यानी आपके मेकअप के अंदर फिक्सिंग आ जाए, यानी हमने फाउंडेशन अच्छी यूज़ कर ली, हमने पाउडर अच्छा यूज़ कर लिया है, ठीक है, हमने सब अच्छा अच्छा यूज़ किया है, लेकिन पसीना तो नहीं रोक सकते। तो पसीना तो आ रहा है, तो अगर पसीना आ रहा है और आपकी स्किन ऑयली भी है ऊपर से, तो एक तो आपका ऑयल छूट रहा है स्किन से और फिर ऊपर से पसीना आ रहा है, तो बेस तो हिलेगी अपनी जगह से। तो हमें ऐसा क्या करना है, हमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना है जिससे हमारी बेस अपनी जगह से हिले नहीं, और अगर हमें पसीना आ भी रहा है तो हमारी फाउंडेशन अपनी जगह फिक्स रहे। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं मेकअप स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे। तो आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताती हूँ कि हम फिक्सिंग स्प्रे को किस तरह से यूज़ करते हैं, और इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो ये हमारी फाउंडेशन को बहने से रोकता है जब हमें स्वेटिंग हो रही होती है तब भी, और हम इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं, और कब कब अप्लाई करते हैं, कब कब हम अपने मेकअप के ऊपर फिक्सिंग स्प्रे करते हैं कि वो फिक्स हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में आगे डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, मेकअप फिक्सर किससे मिलके बनता है? मेकअप फिक्सर मिलके बनता है वाटर एंड अल्कोहल, यानी पानी और अल्कोहल के साथ बनता है, और फिर ये मिलता है। ठीक है, तो अब मेकअप फिक्सर के कौन सी टाइप्स होती हैं? इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, इसको आपने कंप्लीट देखना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है हर क्लास में, हर ही क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई क्लास सेंटर में से देखते हैं, दरमियान में से उठाते हैं और उसको देखते हैं, तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना आप फर्स्ट क्लास से देखते हैं। फर्स्ट टाइप तो हमने पढ़ ली विद मिस्ट, ठीक है,
और सेकंड टाइप क्या है इसकी, विदाउट मिस्ड। अब अगर मेरे स्टूडेंट्स को याद हो तो मैंने बताया था यही चीज आपको किसके अंदर, प्राइमर के अंदर, कि जहां मिस्ट का वर्ड आ रहा है, विद मिस्ट का वर्ड आ रहा है, वो है ड्राई स्किन वालों के लिए, ठीक है। यानी ड्राई स्किन वाले वो विद मिस्ट प्राइमर यूज करेंगे या विद मिस्ट जो है वो फिक्सिंग स्प्रे यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो हाइड्रेटिंग होगा। यानी उसके अंदर जो है फिक्सिंग स्प्रे के अंदर, विद मिस्ट फिक्सिंग स्प्रे जो है उसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होगी और अल्कोहल की मिकदार कम होगी, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, ये ड्राई करता है स्किन को। तो अगर ड्राई स्किन वाले यूज कर रहे हैं विदाउट मिस्ट फिक्सिंग स्प्रे, तो क्या होगा कि उनकी स्किन और ज्यादा ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी और फिर उनके बेस जो है वो फटने का खदशा होता है, यानी क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं बेस के अंदर। तो अगर आपने विद मिस्ट फिक्सिंग स्प्रे यूज किया तो क्या हुआ, वो हाइड्रेटिंग है, यानी उसमें अल्कोहल कम है और उसके अंदर वाटर की मिकदार ज्यादा है, तो वो आपकी बेस को जो है लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और ज्यादा देर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और साथ ही आपकी बेस को फिक्स कर देगा आपके फेस के ऊपर। इस अदर हैंड अगर हम विदाउट मिस्ट मेकअप फिक्सर लेते हैं तो उसमें क्या है, उसमें पानी की मिकदार से ज्यादा है अल्कोहल की मिकदार, तो क्या होगा कि वो मैट फिनिशिंग देगा आपके ऑयली स्किन वालों को अगर वो यूज करते हैं। देखिए अगर हम नॉर्मली जो है वो मिस्ट वाला विद मिस्ट मेकअप फिक्सर यूज करते हैं, तो ज्यादातर जो है वो मेकअप फिक्सर जो है वो मिस्ट वाला ही यूज कर सकते हैं। उसमें आप जो है, क्योंकि उसका काम ही जो है वो मैट फिनिशिंग देना है और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है आपकी फाउंडेशन को, तो फिक्सिंग करना है उसे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले, और ऑयली स्किन वाले यूज करेंगे विदाउट मिस्ट। अब क्या है कि देखिए, मैं मुझे जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना कंप्लीट आप लोगों को दूं और आप लोगों के साथ अपने हर पॉइंट टिप एंड ट्रिक को शेयर करूं, ठीक है। लेकिन इंसान है और इंसान बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है वो माइंड में नहीं रख पाता, तो कुछ चीज़ें जो है वो इंसान भूल जाता है। तो आपके पास पर्सनली इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको पता हो जाना चाहिए कि आपकी स्किन क्या है और आप किस स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट के बैक साइड पे जरूर पढ़ना चाहिए। इवन अक्सर जो है वो फ्रंट पे भी लिखा होता है, जैसे ये मेरे पास विद मिस्ट प्राइमर है, मेकअप फिक्सर है निक्स वालों का, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मैट फिनिश तो लिखा हुआ है, ठीक है, साथ में उन्होंने लिखा हुआ है वेपोरेचर, यानी ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, यानी जो है आपको बेस को लॉन्ग लास्टिंग करेगा, आपकी बेस को फाउंडेशन को फिक्स तो करेगा लेकिन आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देता रहेगा, हाइड्रेट भी करता रहेगा, आपको ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं विद मिस्ट फिक्सर ही यूज़ करती हूँ, मैं विद मिक्स प्राइमर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। तो अब आप लोग जो हैं, आप लोग इस ये बॉटल के पीछे देखिए, ईच एंड एवरीथिंग लिखा होता है कि इसके अंदर कितनी किस चीज़ की क्वांटिटी है। और अब उन्होंने यहाँ तक लिखा हुआ है कि मिस्ट फेस इवनली होल्डिंग द बॉटल 10 to 12 inches फ्रॉम द फेस, यानी आप अपने फेस से 10 to 12 inches का डिस्टेंस रखिए और अपने फेस के ऊपर ये विद मिस्ट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे को स्प्रे करिए, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने आपको बता दिया कि आपको कितना डिस्टेंस रखना है अपने फेस से, कितना दूर रख के कितना करीब रख के आपको ये स्प्रे करना है। तो आप लोग, अब आप लोगों को मैंने विद मिस्ट भी बता दिया है, विदाउट मिस्ट भी बता दिया, यानी अगर मिस्ट लिखा हुआ है तो भी चलेगा और अगर मिस्ट नहीं लिखा, प्राइम लिखा हुआ है तो प्राइम का मतलब भी हाइड्रेटिंग ही है, यानी अगर प्राइम फिक्सिंग है तो वो ड्राई स्किन वालों के लिए है, और अगर वो विदाउट मिस्ट है या विदाउट प्राइम फिक्सिंग स्प्रे है तो इसका मतलब है कि उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा है और वो ऑयली स्किन वालों के लिए है, ठीक है। अच्छा गाइज, अब मैंने आपको ये बता दिया कि विद मिस्ट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और विदाउट मिक्स फिक्सिंग स्प्रे। अब विद मिस्ट फिक्सिंग स्प्रे किसके लिए है, ऑल टाइप
वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल टाइप स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। फिर ये हाइड्रेटिंग है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि आप इसको ये सिर्फ जो है ऑयली स्किन वालों को यूज होता है, ऑयली स्किन, ठीक है, विदाउट मिस्ट जो होता है, ठीक है। और ये मैट फिनिशिंग देता है, अब इसको कैसे यूज करना है, यूज क्या करना है, जिनकी स्किन के ऊपर बहुत पसीना आता है और वो कुछ भी कर लें उनके बेस नहीं टिकती है, होते हैं कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, अब जिनकी बेस बिल्कुल नहीं टिकती है और जिनका पसीना बिल्कुल नहीं रुकता है, तो उनको क्या करना है, उनको जो है हर स्टेप के बाद जो है फिक्सिंग स्प्रे करना है, ठीक है, क्योंकि उनकी स्किन पे बहुत पसीना आ रहा है। अब जब आप हर स्टेप के बाद, यानी आपने मॉइस्चराइजर लगाया और आपने जो है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने जो है कलर करेक्टर लगाया, आपने फिक्सिंग स्प्रे कर दिया, आपने फाउंडेशन लगाई, आपने फिक्सिंग स्प्रे कर दिया, आपने कंसीलर लगाया, आपने फिक्सिंग स्प्रे कर दिया, आपने पाउडर लगाया, आपने फिक्सिंग स्प्रे कर दिया, आपने ब्लश लगाया, आपने आपने मतलब हर स्टेप के बाद, जिनको बहुत पसीना आता है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको बहुत पसीना आता है उनको हर स्टेप के बाद फिक्सिंग स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनकी मेकअप जो है वो रुक जाए, ठहर जाए, पसीना कम आए उनको, ठीक है। और जो जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको अपने स्किन पे मेकअप करने से पहले फिक्सिंग स्प्रे नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो फिक्सिंग स्प्रे अपने मेकअप से पहले ही यूज़ करेंगे तो एक तो उनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है और फिर उनकी स्किन पे जो है वो आपने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर लिया है तो वो और ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी। ये हर स्टेप के बाद जो फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करना है वो करना है ऑयली स्किन वालों को, या फिर उनको जिनको बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिनकी स्किन जो है ड्राई है उनको क्या करना है, उनको फाइनली अपना कंप्लीट मेकअप डन करने के बाद एक बार फिक्सिंग स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि उनका मेकअप फिक्स हो जाए। जैसे कि मेरी स्किन ड्राई है, मुझे जो है वो बहुत कम पसीना आता है, तो मेरी जो है नॉर्मली बेस लॉन्ग लास्टिंग चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक बार फिक्सिंग स्प्रे कर देती हूँ तो वो और बेनिफिटेड हो जाता है, यानी और लंबे टाइम के लिए बेस फिक्स हो जाती है। तो ऑयली स्किन वालों को क्या करना है, हर स्टेप के बाद फिक्सिंग स्प्रे करना है, ठीक है, और पसीना आने के लिए रोकना है। तो ये अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि कौन कौन सा फिक्सिंग स्प्रे आता है, विद मिस्ट आता है, विदाउट मिस्ट आता है। विद मिस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑल स्किन वालों के लिए, ठीक है, और ये हाइड्रेटिंग होता है। और तीसरी बात ये कि आप इसको जो है आफ्टर मेकअप, यानी मेकअप फिनिश करने के बाद आप इसको स्प्रे करें। और जो विदाउट मिस्ट वाले हैं वो ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, और उसको हर स्टेप के बाद कर सकते हैं यूज़, और इन द एंड तो आपको करना ही है ताकि आपका मेकअप फिक्स हो जाए। तो आज मेरे ख्याल में आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से मैंने जो है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे के बारे में भी बता दिया है, और आपको इन दोनों की डिफरेंसेस भी बता दिए हैं, और आपको ये भी बता दिया है कि क्या पढ़ेंगे आप और कैसे पढ़ेंगे, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिक्सिंग स्प्रे आपके लिए कौन सा जाएगा, ठीक है। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो विदाउट जो मिस्ट है वो फिक्सिंग स्प्रे यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऑयली स्किन वाले जो है विद मिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, फिक्सिंग स्प्रे, ओके। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और मैं आप लोगों को जो है ऐसे ही मज़ीद अपनी वीडियोस में एंटरटेन करती रहूँगी, इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, और आप लोग मेरे साथ रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।